नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नैना ऑफिशियल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गर्मी से बच के रहे होंगे। तो मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे पालक को साफ़ कर रही थी। तो जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक का निमोना। बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए एक सिंपल सा रेसिपी है, आप इसे घर पे बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। पालक का निमोना, पहले पालक को खूब अच्छे से आप लोग साफ़ कर लीजिए, उसे धुल लीजिए और उसे पीस लीजिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मिक्सी ग्राइंडर में मैंने पीस के रख लिया था। इसे बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पालक पनीर नहीं बना रहे हैं। और फिर आलू को काट लीजिए, आप जितने सदस्य उस हिसाब से अपना आलू काट लीजिए। तो मैंने यहाँ पर आलू को काट के यहाँ फ्राई कर रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पर दिया है जीरा का तड़का और उसके बाद मैं यहाँ पर आलू फ्राई कर रही। तो आलू देख रहे हैं आप, जैसे कि सुनहरा लाल हो चला है मेरा। और मैं उसे अच्छे से ऐसे ही लाल करने के बाद मैं इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ता अगर आपके पास होगा तो धनिया पत्ता भी आप पीस लीजिएगा, इससे और टेस्ट बढ़ जाएगा। धनिया पत्ता मेरे पास नहीं था इसलिए मैं धनिया पत्ता नहीं पीस पाई। तो इस तरीके से आप इसका पेस्ट करके फिर इसे भी डाल के खूब अच्छे से आप इसे भूनिए कुछ देर के लिए। और आँच बहुत तेज़ मत रखिए, हल्का सा मीडियम आँच पर आप इसे बहुत अच्छे से भून सकते हैं। भुनने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, इसमें एक टमाटर ऐड कर देती हूँ। अगर आप लोगों का पसंद है टमाटर तो आप टमाटर डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये बस टेस्ट और अच्छा आ जाता है, इसलिए मैं इसमें टमाटर डालती हूँ। तो अब मैं टमाटर को भी कुछ देर भूनूंगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। देसी टमाटर आ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है गलने में, है ना। उसके बाद इसे एक थाली से आप ढक के रख दीजिए। दूसरी तरफ भी मैं अपना काम करती रहती हूँ और यहाँ पर मैं चावल बैठाऊँगी, इसलिए इसे उस गैस पे छोटे वाले आंच पे मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो या इसी स्टेज पे फिर मैं क्या करती हूँ, जो पालक मैंने पीस के रखा है उस पालक को भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और खूब अच्छे से इसे भून लूँगी। भुनने के बाद इसे आप कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ा सा ये छींटा मारता है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। और इसमें किसी भी तरह का मसाले ऐड नहीं करना है, हल्का सा हल्दी और गर्म मसाला डाल के आपको इसका बहुत अच्छे से मसाला को भून लेना है। अगर आपको है कि और कुछ मसाला डालना है तो आप अपने हिसाब से मसाले डाल सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। स्वाद अनुसार आपको नमक डालना है इसमें, क्योंकि सब्जी है तो सबको पता है कि इसमें नमक तो जाएगा ही। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए हल्का सा मैं हल्दी यहाँ पे डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालूँगी और नमक डालूँगी। बाकी और मैंने कोई भी मसाले इसमें ऐड नहीं किया हुआ है क्योंकि ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपके पास स्टील की कढ़ाई हो तो आप उसमें बना सकते हैं। लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा क्या है, पालक का कलर चेंज हो जाता है, बट लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा करके सब्ज़ियाँ बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया और मैं इसे खूब अच्छे से भूनूंगी। आलू हम लोगों ने फ्राई कर लिया था इसलिए आलू मेरा बहुत पहले से ही पक चुका है, कोई इशू नहीं है। बस हमें पालक को अच्छे से भुनना है और पालक को भुनने के बाद फिर मैं उसे ढक दूंगी और अपने हिसाब से आप उसमें पानी डाल के छोड़ दीजिए। जितना आपको ग्रेवी चाहिए, चावल से खाना है तो थोड़ा ग्रेवी रखिए, अगर रोटी से खाना है तो ग्रेवी को सुखा दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस हिसाब से पालक की सब्ज़ी बना रहे हैं। पालक की निमोना सब्जी नहीं, निमोना, ये पालक की निमोना है। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा दोस्तों और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। हम लोगों को यहाँ पे चावल से खाना है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेवी रख रही हूँ और कुछ देर में मेरा पालक की ये निमोना बन के तैयार हो जाएगा। तो आप लोग भी अपने घर में ट्राई करिए, बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को, है ना। और मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से दूसरे वीडियो में। तब तक गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा चटपटा और मसाले वाली चीज़ें आप लोग ना खाएँ, ठंडी चीज़ें खाएँ और अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने बच्चों को स्वस्थ रखें, क्योंकि वायरल फीवर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखती हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।